जय हिंद दोस्तों, रॉयल सर्विसेशन में आपका स्वागत है। डू यू नो करंट अफेयर्स सीरीज का नया वीडियो आपके सामने है। ये करंट अफेयर्स सीरीज आपके यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एनडीए सीडीएस एएफकैट आईबीपीएस एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्रिएट किया है मेगा सिंह राठौर ने और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। सेकेंड एनडीआरएफ क्या है। थर्ड वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। फोर्थ कोरम क्या है। और फिफ्थ कोल बेड मिथेन क्या है और क्यों न्यूज में है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट है वो है कि इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। अब मैं आपको बता दूं कि नंबर वन पे आता है चाइना, नंबर टू पे है यूएस, नंबर थ्री पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इंडिया, नंबर फोर पे है रशिया और नंबर फिफ्थ पे है जापान। लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसकी रैंकिंग के हिसाब से इंडिया है 106 पे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब यह जो पूरी रिपोर्ट आई है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट 2019 में उसने की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स दिया था, उससे ये बात पता चली है। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जब अधिकतर जब बात होती है एनडीआरएफ की, कई सारे लोग इसको इसका जो फुल फॉर्म है बिल्कुल ही गलत बताते हैं। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राइट। एनडीआरएफ ने टोटल 15,000 स्टाफ्स को एयरपोर्ट्स पे या फिर जो भी हमारे सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वहां पे 15,000 स्टाफ को ट्रेन किया है ताकि कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिजीज 19 का आउटब्रेक हुआ है वर्ल्ड वाइड और WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, लोगों को कैसे चेक करना है अपने आप को सेफ रखते हुए, इसके बारे में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने 15,000 लोगों को ट्रेन किया है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टाइप की कोई भी चीज हमारे यहां पर नहीं थी, लेकिन 1999 में उड़ीसा का बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, बहुत तबाही हुई। ठीक उसके 2 साल बाद 2001 में गुजरात का अर्थक्वेक आया, उससे भी बहुत तबाही हुई। इसके बाद हमारे कंट्री को ऐसा लगा, हमारे जो टॉप लीडरशिप है उनको लगा कि हमारे देश में कोई ऐसी स्पेशलाइज फोर्स होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड हो और हमेशा अवेलेबल हो। उसके बाद ही 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना, उसके बाद से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है सामने आई। अब मैं आपको बता दूं कि इसका मेन रोल क्या है। पहला रोल है इसका, यह किसी भी डिजास्टर में स्पेशलाइज रिस्पॉन्स देती है, जाकर के कोई भी सहायता कर सकता है, लेकिन किस मौके पे क्या काम करना है ये सारी चीजें ये ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। दूसरा काम है इसका कि जब भी कोई डिजास्टर सिचुएशन आने वाली हो, इम्पेंडिंग हो, तो उस समय प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट पहले से ही वहां पर इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है कि जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी लोगों को बचाव है, पहले से वहां से लोगों को खाली कराना है, वो सारे काम ये लोग करते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं कि टाइम टू टाइम ये अपने ट्रेनिंग और स्किल को एक्वायर करते रहते हैं और उसको अपग्रेड करते रहते हैं। चौथा काम है इनका कि मॉक ड्रिल करना, रिहर्सल करना, रिकॉग्निशंस करना और लाइजन करना। पांचवा काम है इनका कि जो भी स्टेट की रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं, अब सभी स्टेट में उनकी अपनी रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस हो गई, सिविल डिफेंस हो गया या फिर होम गार्ड्स हैं, उनको बेसिक और ऑपरेशनल लेवल ट्रेनिंग को देना। सिक्स्थ इनका काम है कि कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को चलाना, एक जगह पर जाना, वहां के लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना कि आप अगर इस टाइप का डिजास्टर सिचुएशन आता है, नेचुरल कैलामिटी, चाहे वो मैनमेड हो या फिर नेचुरल हो, उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनको चलाना है। सेवेंथ इनका काम है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, जगह जगह पे लोगों को जा करके कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीजें पब्लिक को अवेयर कराना। तो ये 7 काम जो हैं और 7 रोल्स हैं एनडीआरएफ के, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के। जो नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च 2020 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे WCRD मनाया गया। अब यह जो है 1962 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ने पहली बार कंज्यूमर राइट्स की डेफिनेशन को बताया था,
और यह कंज्यूमर जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है जो कि 15 मार्च को हर एक साल मनाया जाता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल CI, और CI जो थी उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अब WCRD मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को सबसे पहली बार कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने 15 मार्च 1983 में ऑब्जर्व किया था, पहली बार मनाया था। अब इस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2020 मतलब 15 मार्च 2020 का जो मेन थीम था वो था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। नेक्स्ट है कि इंडिया का कंज्यूमर राइट डे जो है वो 15 मार्च 2020 ना होकर के हर एक साल दिसंबर 24 है, क्योंकि इसी दिन इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हमारे प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था और उस दिन से वो एक्ट बन गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब नेक्स्ट है कोरम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 103 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अगर किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर कोई भी मीटिंग होनी है तो उसमें मिनिमम प्रेजेंस होना चाहिए मेंबर्स का 1/10, तभी जा करके वो कोरम पूरा होता है, उसी के बाद वो मीटिंग हो सकती है। अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे तरह से बताऊं। मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसमें लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 550 से एक सीट नहीं होनी चाहिए। अब अभी जो लोकसभा चल रही है वो है 17th लोकसभा, इसमें टोटल सीटें जो हैं वो 543 सीट्स हैं, जिसमें से एक जो है अभी अभी वैकेंट हो गई है, जो उस पर बिहार के थे JDU के, वो एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 542 हैं। इनका 10% अगर हम लें तो 54.2, मतलब कि अगर 55 से कम मेंबर्स हैं लोकसभा में किसी पर्टिकुलर डे में तो उस दिन जो है कोरम नहीं पूरा होता है और उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। ठीक वैसे ही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 250 से एक सीट्स नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 250 में से 238 जो सीट्स हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था कि जो हमारे रंजन गोगोई थे एक्स CJI, उनको नॉमिनेट किया गया है। तो 12 लोग जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो काफ़ी स्पेशलाइज हों, वो साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, हमारा सोशल साइंस हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों से वो नॉमिनेट किए जाते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा जो है वो है 245, इसमें से 233 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। जैसे प्रेसिडेंट के नॉमिनेट होने की बात हो रही है, ठीक हमारे लोकसभा में भी 2 लोग प्रेसिडेंट से एंग्लो इंडियन, अगर प्रेसिडेंट को लगता था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, लेकिन इस फरवरी 2020 के बाद से यह चीज समाप्त कर दी गई है। तो चलते हैं हम राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा में अभी टोटल जो सीटों की संख्या है वो है 245, जिसमें से 233 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हैं और 12 जो है हो गए नॉमिनेटेड हो गए, मतलब कि 245 सीट का 10% हुआ 24.5, मतलब कि अगर राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 25 से कम है तो कोरम नहीं पूरा होता है और उस दिन राज्यसभा में कोई भी मीटिंग या कोई भी वोटिंग या कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कोल बेड मिथेन क्या है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व रखता है पूरे वर्ल्ड का, इसमें कोयले से ज्यादा CBM जो है कोल बेड मिथेन, मिथेन गैस की हम बात कर रहे हैं जो कि इस कोयले के बेड में ही पाई जाती है, वो कोयले से ज्यादा क्लीन फ्यूल है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा बताऊंगा कि इंडिया का जो CBM कोल बेड मिथेन का जो एस्टिमेटेड रिजर्व है वो 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF है, या फिर आप इसको अगर बिलियन क्यूबिक मीटर्स में कहें तो 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। यह इंडिया के 12 राज्यों में पाया जाता है और अभी अभी इसको डेवलप करने की जो बात हो रही है कोल बेड मिथेन की CBM की, वो दामोदर कोल वैली और सोन वैली में इसको करने की बात की जा रही है। CBM जो है कोल बेड मिथेन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, पावर जनरेशन में यूज होते हैं, हमारे गाड़ियों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG ऑटो फ्यूल की तरह ये यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स में फीड स्टॉक की तरह यूज होते हैं, खाद
जो खाद वगैरह खेतों में पड़ती है उसमें। फिर इसके कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे सीमेंट के प्रोडक्शन में, रोलिंग मिल्स में, स्टील प्लांट्स में और मेथनॉल प्रोडक्शन में। लेकिन CBM कोल बेड मिथेन के अपने कई सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहली बात है कि CBM कोल बेड मिथेन या फिर मिथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम इसका यूज करते हैं, जो भी इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो हमारे एटमोसफियर में ही ऐड होता है और हमारे ओजोन की परत को, मतलब धीरे धीरे ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। एक धीरे धीरे ये जो CBM है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिल सकता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होगा। इसका मतलब कि हम अपने इकोलॉजी से खिलवाड़ कर रहे होंगे। तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया को ये CBM का स्टार्ट करना चाहिए, मतलब उसके बाद ही इन चीज़ों को शुरू करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।